हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं क्लास 12 की मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 12 में फिजिक्स में जो चैप्टर है, दैट इज गॉस लॉ या गॉस थ्योरम है। तो इसमें गॉस लॉ गॉस थ्योरम की प्रूविंग तो पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में करा चुका, आज जो मैं कराऊंगा उसकी एप्लीकेशन कराऊंगा, यानी कि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है। और पहली एप्लीकेशन ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ, यानी इनफाइनाइट लेंथ का कोई एक वायर है और उसमें चार्ज है, चार्ज हुआ है, तो उसमें P पॉइंट में डिस्टेंस में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखिए ये दिख रहा है ना, जैसे ये वायर आप देख रहे हैं, ये पूरा वायर है इनफाइनाइट लेंथ, देखिए इनफाइनाइट बना हुआ है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो इसमें चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें R डिस्टेंस में P पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अंडरस्टूड है इसमें जो चार्ज है। तो ये जो इसमें आप स्टूडेंट ये चीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है तो इसके साथ चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। उसके रेडियस कितना होगा, आर होगा, आर जिसको हमने पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से दिखाया, जिसका यूनिट वेक्टर देखिए ये आर कैप लिखा हुआ, ये यूनिट वेक्टर है। तो पोजीशन है कि पी पॉइंट से लेकर ये वायर तक की जो डिस्टेंस वो है आर, इसे आर वेक्टर से दिखाया। तो इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल शेप में आपका गॉसियन सरफेस बनेगा, कैसे बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप में। तो सिलिंड्रिकल शेप आप देखिए ऐसे ही बनता है बिल्कुल। तो इसमें एक ऊपर फ्लैट सर्कुलर शेप होता है, एक नीचे फ्लैट होता है, आप देखिए ये देख रहे हैं, ये दो नंबर ऊपर फ्लैट है और एक नंबर यहाँ नीचे फ्लैट। और ये जो ये सरफेस बनता है, जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये होता है कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। तो जैसे हमने एक नंबर की बात कर ले, आप जब आप देख रहे हैं इसमें एरिया, इसका डिफरेंशियल एरिया वेक्टर देखिए नीचे जा रहा है, देखिए है ना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे अगर फ्लैट है तो इसका एरिया वेक्टर देखिए नीचे जा रहा है। और क्योंकि इस वायर में पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर जो इसका जो है डिफरेंशियल वाला, ये छोटा सा पोर्शन एरिया डिफरेंशियल ए वन जो वेक्टर वो डाउनवर्ड, तो इनके बीच में 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री होता है तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, क्योंकि अब हमको इस फ्लैट सर्फेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल सी चीज है। क्योंकि इसमें थीटा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंशियल ए वन, देखिए डिफरेंशियल ए वन लिखा ना, एरिया वेक्टर का डिफरेंशियल वो नीचे जा रहा है 90 डिग्री। तो इसका जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, आप लोग जानते हैं होल इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ए वन वेक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल। तो ये डॉट वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो यू विल गेट अ ई डिफरेंशियल ए वन कॉस 90 आएगा, और आप लोग जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती। तो कॉस 90 जब जीरो हो जाएगा तो ये पूरा यहाँ पे इस फ्लैट वाले जो नंबर वन वाले इमेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, देखिए ये जीरो आ गई। ठीक है, ये चीज अब हम बात कर रहे हैं दो नंबर की। अब दो नंबर में देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल ऐसा फ्लैट है, मगर इसका एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, देखिए डिफरेंशियल ए टू लिखा हुआ, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इनके बीच में भी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डिफरेंशियल ए टू है, तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हो गया, ये देखिए थीटा 90, तो हमारा फाई ई टू बराबर जो निकले वो भी जीरो, यानी कि फ्लैट सरफेस जो इसका सर्कुलर फॉर्म है वन नंबर और टू नंबर दोनों सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों जीरो हो जाएंगे, यानी फाइव वन और फाइव टू ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं तीन नंबर की, तीन नंबर देखिए कर्व सरफेस एरिया ए थ्री है इसका एरिया, ये तीन नंबर ये कर्व एरिया आप लोग देख रहे हैं ये चीज। तो अब ये कर्व सरफेस यहाँ पे जो ये पी पॉइंट है, इसमें हमें एक डिफरेंशियल ए थ्री एक छोटा सा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमारा अभी जा रहा है इधर से इधर जाएगा, अगर इधर भी होता छोटा सा तो एरिया वेक्टर इधर जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इधर ही जाती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो गया डिफरेंशियल ए थ्री वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में है देखिए डिफरेंशियल ए थ्री ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इससे अभी जाएगा हर तरफ से, ये कट सरफेस से यू करके निकलेगा हर तरफ से, ये एरिया वेक्टर निकल रहा है, एरिया वेक्टर निकल रहा है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर वायर है उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ साथ बाहर निकल रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंशियल ए थ्री इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री होगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जी इट इज पैरेलल पैरेलल होकर डिफरेंशियल ए थ्री वेक्टर, तो डिफरेंशियल ए थ्री एरिया वेक्टर से और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पैरेलल होगा, तो अंडरस्टूड इसमें फाई ई थ्री निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होल्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर होगा, और अंडरस्टूड ये डॉट की जगह हम ये सब हटाएंगे तो हमें होल्ड इंटीग्रेशन ई डिफरेंशियल ए थ्री कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू आप लोग जानते सब वन होते, तो कॉस जीरो जब वन होगी तो फाई ई थ्री बराबर होगा होल्ड इंटीग्रेशन ई डिफरेंशियल ए थ्री आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, ये हो गया फाइव वन, ये हो गया ये फाइव वन फाइव ई वन हो गया, ये फाइव ई टू हो गया, ये फाइव ई थ्री हो गया। अब हमारा जो टोटल जो हमारा निकला आप लोग जानते हैं हमें, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हो, तो फाइव बराबर हो जाएगा फाइव ई वन फाइव ई टू फाइव ई, सबको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर दिया तो ये तो दोनों तो जीरो जीरो हो गया, प्लस ये वाला बचेगा, तो फाइव ई बराबर का ई होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ए थ्री आ जाएगा। और होल इंटीग्रेशन आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया किसी सिलेंडर के जो होता है वो होल इंटीग्रेशन यानी टोटल कर्व सरफेस जो एरिया था वो टू पाई आर एल होता है, आप लोग जानते हैं टू पाई आर एल क्या है, एल क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये यहां से लेकर और यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा ये एल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और रेडियस जो यहां से वो हमारा आर लिखा, तो टू पाई आर एल ये होता, और ई थ्री
तो ये तो अच्छा E3, इसमें क्या होल इंटीग्रेशन एरिया का क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि एरिया बदलता रहता है, लेकिन ई हमारा जो इलेक्टिव फील्ड होती है ये यूनिफॉर्म होती है, तो इसका होल इंटीग्रेशन इसका नहीं करेंगे, केवल डिफरेंशियल A3 का करेंगे। अब होल इंटीग्रेशन का तो हमारा फाई ई बराबर जो टोटल आया वो आया ई ब्रैकेट में 2πRL आगे, क्योंकि ये होल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल A3 का जो है ये बराबर होता है 2πR, तो 2πR इसकी जगह यहाँ रख दी ये आ गया E3 आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं गॉसियन, हमने गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ा है, फाई बराबर ई ए, ये ए है, ए मतलब टोटल एरिया, तो टोटल एरिया अब हमने निकाला 2πRL के होल इंटीग्रेशन हो गया, तो ई बराबर 2πRL इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। अब ये ई को ये रूप लिया, इसको अपॉन में लिया। अच्छा एक चीज और आप लोग जानते हैं, जब स्टूडेंट लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोला मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि क्यू अपॉन लेंथ, यानी चार्ज अपॉन लेंथ जो होता है वो लैम्डा से दिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये अंडरस्टूड है, ये जो एल है जब इसके नीचे आ जाएगा, मानी बात है, तो इस क्यू की जगह ये आप क्यू देख रहे हैं ना, क्यू की जगह क्या लिखा, लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये जो क्यू लिखा इसकी जगह क्यू की जगह लैम्डा एल, देखिए यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे लैम्डा एल लिख दिए, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखिए लिखते, और बाकी 2πRL ई लिख दिया, ई को रोक लिया, एल एल कट जाएगा, एल ये दोनों तरफ ये वाला एल और ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल ई बराबर ये 2πR अपॉन में आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए आ गया, एल कैंसिल हो गया, ये आ गया, तो ये तो हमारा स्केलर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, और ऊपर आर यूनिट वेक्टर लेकिन आर क्या है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर या रेडियस, जो रेडियस का उसका यूनिट वेक्टर को उसको मल्टीप्लाई कर, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको जो बताया कि यूनिफॉर्मली अगर इनफाइनाइट लेंथ का आपका कोई वायर है उसमें चार्ज है, तो उसके जो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आएगा, और आज मैंने एप्लीकेशन नंबर 1 आज को आप लोगों को पढ़ाई, एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ाई जो कि चार्ज वायर की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और हाँ, आप लोग जो स्टूडेंट जान पहचान के उनको मेरा लिंक भेज दीजिए, जैसे उनको भी फायदा हो जाए, और जो स्टूडेंट 11th 12th के हैं जो मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।